हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूनम अपने पहले पति के जाने के बाद से काफी डिप्रेशन में रहने लगी थी, जिसके चलते उसके माँ बाप ने उसकी दूसरी शादी कराने के बारे में सोचा। कुछ समय बाद में एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर उन्होंने उसकी दूसरी शादी करवा दी। पूनम अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन कुछ ही समय बाद में उसके पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। और एक दिन तो उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो अपना दम तोड़ देता है। पूनम दूसरी बार विधवा हो जाती है। उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। कुछ दिन बाद में उसकी सास निर्मला की सहेली सरिता उससे मिलने आती है और बोलती है, देख निर्मला, मैं तुझे बता रही हूँ, तेरे बेटे के जाने का कारण तेरी ये अपशगुनी बहू ही है। मैं तो कहती हूँ तू इसे जल्दी से अपने घर से निकाल दे, वरना ये तुझे भी नहीं छोड़ेगी। बस सरिता, एक लफ्ज और कहा तो मैं ये भूल जाऊंगी कि हम दोनों सहेलियां हैं। मेरा फर्ज तुझे समझाना था, सो समझा दिया, बाकी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर सरिता वहां से चली जाती है। सरिता की बातें पूनम भी सुन लेती है और वो अपनी सास के पास जाती है और उसके पास जाकर वो उसे बोलती है, माँ जी। अरे बहू, आ जा, अंदर आ जा। वो माँ जी, मुझे कुछ पूछना था आपसे। हाँ बोल ना बहू, क्या बात है? माँ जी, क्या आप भी मेरे बारे में वही सोचती है जो आस पड़ोस के लोग सोचते हैं? नहीं बहू, ये तो सोच भी कैसे सकती है, मैंने कभी तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचा। फिर निर्मला पूनम को अपने गले से लगाकर प्यार करने लगती है। थोड़ा समय गुजर जाता है, निर्मला हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर से उसके बेटे की मौत का कारण पूछती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे बताती है, देखिए बहन जी, उन्हें एक माइनर अटैक आया था जिसका दर्द वो सहन ना कर सके, दिल ने धड़कना बंद कर दिया जिसके कारण उनका ब्लड फ्लो रुक गया और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन डॉक्टर, ऐसे कैसे अचानक उसको हार्ट अटैक आ सकता है? मेरा बेटा तो एकदम ठीक था, कुछ दिनों पहले ही उसकी शादी भी हुई थी। देखिए, हार्ट अटैक किसी बीमारी की वजह से नहीं आता, वो तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आता है और ये किसी को भी हो सकता है। निर्मला डॉक्टर की बातों को सुनकर ये समझ जाती है कि उसके बेटे की मौत के पीछे पूनम का कोई हाथ नहीं है, उसकी मौत प्राकृतिक रूप से हुई है और अब वो अपने घर वापस चली जाती है। घर पर पूनम उसके लिए खाना बना रही होती है। खाना बनाते बनाते उसका ध्यान कहीं और ही होता है तो उसके दुपट्टे में आग लग जाती है। ये चीज निर्मला देख लेती है और वो जल्दी से उसके दुपट्टे को गैस से हटा देती है और उस पर पैर मार मार कर उस आग को बुझा देती है, जिसके बाद पूनम से वो बोलती है, बहू तेरा ध्यान कहाँ है? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। अरे बहू, तू फिर से रोने लग गई, चल तू मेरे साथ कमरे में चल, थोड़ा आराम करेगी तो तुझे अच्छा लगेगा। जिसके बाद निर्मला पूनम को उसके कमरे में लेकर जाती है और बेड पर लिटा देती है, जिसके बाद वो उसके पास बैठती है और उसके सर पर हाथ फेरने लगती है और हाथ फेरते फेरते वो उसे बोलती है, मैं जानती हूँ बहू, अकेले रहना कितना मुश्किल होता है, पर तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। कुछ देर बाद पूनम गहरी नींद में सो जाती है। उसके सोने के बाद निर्मला घर के कुछ काम खत्म करती है और फिर अपने कमरे में बैठकर खुद से बोलती है, मैं पूनम को ऐसे घुटघुट कर जीते नहीं देख सकती, मुझे उसके लिए कुछ तो करना ही होगा। ऐसा कहकर वो भी सो जाती है। अगले दिन पूनम घर का सारा काम जल्दी से खत्म कर लेती है, जिसके बाद वो निर्मला को नाश्ता भी करवा देती है। फिर निर्मला पूनम से बोलती है, बहू मुझे जरा किसी काम से बाहर जाना है तो तू घर का और अपना ख्याल रखियो, ठीक है? अरे माँ जी, आप बेफिक्र होके जाइए, मैं अपना और घर का अच्छे से ख्याल रखूंगी। निर्मला घर से बाहर चली जाती है और बाहर जाकर वो खुद से बातें करते हुए बोलती है, हे भगवान, बस मेरी बहू का ध्यान रखना जब तक मैं आ नहीं जाती, बस कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा कहकर निर्मला वहाँ से चली जाती है और सीधा एक मंदिर में जाकर रुकती है। असल में वो मंदिर इसीलिए गई थी ताकि वो पूनम की कुंडली पंडित जी को दिखा सके और उनसे पूछ सके कि आखिर पूनम की जिंदगी में ये सब गम के बादल आखिर कब जाकर हटेंगे। निर्मला पंडित जी के पास जाती है
और उसे बोलती है, प्रणाम पंडित जी। कल्याण हो, कहो क्या बात है। पंडित जी, मैं यहाँ अपनी बहू के लिए आई हूँ, उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, आप कुछ उपाय बताइए ना। उसकी जन्म कुंडली लेकर आई हो? ये लीजिए पंडित जी। पंडित जी पूनम की कुंडली को पढ़ने लगते हैं और कुंडली पढ़ने के बाद वो निर्मला को बताते हैं। देखो, तुम्हारी बहू मांगलिक है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में ये दुख के बादल छाए हुए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? मैं सच कह रहा हूँ, इसीलिए तुम्हारा बेटा भी तुमसे दूर हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका पहला पति भी इसी कारण से मर गया। जब तक उसकी शादी एक मांगलिक लड़के से नहीं होगी, तब तक उसकी जिंदगी में सुधार नहीं आ सकता। मतलब मेरी बहू की तीसरी शादी करवानी होगी? और कोई विकल्प भी नहीं है। थोड़ी देर बाद में निर्मला सरिता की बातों के बारे में सोचने लगती है, पर वो खुले विचारों वाली एक पढ़ी लिखी महिला थी, इसीलिए उसने ऐसा वैसा सोचना सही नहीं समझा। पर जैसा पंडित जी ने कहा था, पूनम की शादी किसी मांगलिक लड़के से करवा दी जाए तो फिर उसकी जिंदगी से गम के बादल हट जाएंगे और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। जिसके बाद वो एक बार फिर से पंडित से पूछती है, पंडित जी आपने मंजिल दिखाई है तो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी बता दीजिए, आप ही कोई अच्छा सा मांगलिक लड़का दिखा दीजिए। मेरी नज़र में एक लड़का है तो सही, पर क्या पंडित जी? वो अकेला रहता है, उसके घर वाले नहीं है। आपकी बहू उसके साथ रह पाएगी या नहीं, बस यही समस्या है। आप एक बार मुझे उससे मिलवा दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगी। पंडित जी उस लड़के को निर्मला से मिलवाने का अगले हफ्ते का टाइम देते हैं। एक हफ्ते बाद वो लड़का निर्मला के घर उसे मिलने आता है। वो गेट पर खड़े होकर घंटी बजाता है। पूनम दरवाजा खोलती है और उससे पूछती है, जी आप कौन? जी मेरा नाम आकाश है और मैं यहाँ निर्मला जी से मिलने आया हूँ। ओह अच्छा, माँ जी से मिलना है आपको? हाँ जी, वो घर पर हैं? जी वो घर पर ही हैं। आप बैठिए, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। पूनम आकाश को अंदर लेकर जाती है और उसे ले जाकर ड्राइंग रूम में बिठा देती है, जिसके बाद वो अपनी सास के कमरे में चली जाती है और जाकर पूनम निर्मला से बोलती है, माँ जी आपसे कोई मिलने आया है। कौन है बहू? कोई आकाश है। अच्छा वो आ गए, एक काम कर बहू, तू उनके लिए चाय नाश्ता बना, मैं अभी आती हूँ। ठीक है माँ जी। पूनम आकाश के लिए नाश्ता बनाने लग जाती है। इतने में ही निर्मला उसके पास आती है और वो निर्मला से बोलता है, नमस्ते आंटी जी। जीते रहो बेटा, तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना। वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। पूनम उनके लिए कुछ खाने को लेकर आती है। नाश्ता रख कर वो वहाँ से जाने लगती है, तभी निर्मला उसे बोलती है, बहू तू भी यहीं बैठ जा हमारे साथ। अरे नहीं माँ जी, आप लोग बातें कीजिए, तब तक मैं घर के बाकी काम कर लेती हूँ। अरे काम तो होते रहेंगे, तू यहाँ बैठ मेरे पास। ठीक है माँ जी। देख ये है आकाश और आकाश बेटा ये है पूनम। माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? मैं तेरा हाथ इनके हाथ में दे रही हूँ। लेकिन क्यों माँ जी, मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हो गई क्या? नहीं बहू ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुझे ऐसे अकेले जिंदगी काटते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैंने सोचा कि तेरी शादी करवा दूं। और तू चिंता मत कर, ये तुझे मुझसे दूर लेकर नहीं जाएगा, तू यहीं रहेगी हमेशा मेरे साथ। ठीक है माँ जी जैसा आप कहे। इसके बाद निर्मला पूनम और आकाश की शादी करवा देती है। शादी के बाद पूनम की जिंदगी सच में बदलने लगती है, जैसा पंडित जी ने कहा था। कुछ समय बीत जाने के बाद उसकी और आकाश की एक प्यारी सी बेटी होती है और वो सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। राधिका अपने हाथ में एक लेटर लिए अपनी बॉडी के टैटू को देखकर फूट फूट कर रो रही होती है और रोते रोते खुद से कहती है, राधिका ये तूने क्या किया, इस शहर में तू अपने सपने लेकर आई थी और ये सब करने लग गई। माँ कितने गर्व से कहती थी कि मेरी बेटी आर्मी से एक ऑफिसर बन के लौटेगी और तूने ये टैटू बनवा लिए। आज अगर ये तेरा टैटू ना होता तो शायद तेरा सिलेक्शन हो चुका होता। तभी उसके गांव से उसकी बचपन की दोस्त मीरा का फोन आता है। राधिका अपने आंसू पोंछकर मीरा का फोन उठाती है और मीरा बोलती है, हाँ राधिका तेरा सिलेक्शन हो गया क्या? नहीं यार मुझे होल्ड पर रखा है क्योंकि मेरी बॉडी पे बहुत सारे टैटू है ना। ओह ये तो होना ही था यार,
तो तूने ये टैटू बनवाया ही क्यों? तुझे पता है ना, सरकारी नौकरी में यह सब नहीं चलता। क्या बताऊँ यार। बोल ना, बात क्या है? तू कुछ तो छुपा रही है, बता। ठीक है, सुन फिर। राधिका दिल्ली में अपना आर्मी में भर्ती होने का सपना लेकर आई थी। ये शहर राधिका के लिए नया था। ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात बस में एक आमिर नाम के लड़के से होती है। दोनों कुछ ही देर बातें करते हैं और पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को अच्छे लगने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से नंबर्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और राधिका और उस लड़के के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अब वो अपने सपने को पीछे छोड़कर बस आमिर में ही खोई रहती थी। ऐसे ही एक रात वो आमिर को कॉल करती है और उससे कहती है, हाय, क्या कर रहे हो? तुम्हें याद। ओह, अगर याद आ रही थी तो फोन कर लेते। अरे पागल, जैसे ही फोन उठाया करूं, मगर इससे पहले तुम्हारा फोन आ गया। कोई नहीं, मैं करूं या तुम करो, बात तो एक ही है। और वैसे हम कब मिल रहे हैं? क्यों, कुछ खास है क्या? हाँ, बस मुझे ना किसी को प्रपोज करना है। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कौन है? जान लेना वक्त आने पर। अच्छा जी, तो आप ही बता दीजिए, कब मिल रहे हैं हम? कल ही मिले। हाँ ठीक है, मगर एक दिक्कत है, मैं इस शहर में नहीं हूँ तो मुझे ज्यादा रास्ते नहीं पता है। अरे मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम इस शहर की नहीं हो, मगर मैं तो हूँ। मैं कल सुबह 11 बजे तुम्हें लेने आऊँगा। हाँ ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तुम्हारे रहते मुझे क्या ही दिक्कत होगी। ये हुई ना बात। ऐसे ही अगली सुबह राधिका उठकर अपने लिए चाय बनाती है और नाश्ता करने के बाद तैयार होकर आमिर का वेट करती है। थोड़ी ही देर के बाद आमिर अपनी बाइक लेकर राधिका के घर के बाहर आ जाता है और राधिका को बाइक पर बिठा कर ले जाता है। बाइक पर बैठे बैठे आमिर उससे कहता है, वैसे सच में आज तो माल लग रही हो। क्या मतलब, कमाल लग रहे हो। जी शुक्रिया। वैसे मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हो। हाँ बस झूठ बोलना आता है तुम्हें। अरे सच में डफर, अच्छे लग रहे हो। थोड़ी ही देर के बाद पार्क के पास आमिर बाइक रोक देता है और दोनों उस पार्क में एक साथ जाते हैं, जहाँ आमिर अपने घुटनों के बल बैठकर राधिका को प्रपोज करता है और कहता है, राधिका मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या ये जल्दबाजी है? क्या मैं सच में आमिर से प्यार करती हूँ? बोलो यार, नहीं बोला ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। आमिर यार, ये सब कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा। तभी आमिर चेस्ट की साइड से अपनी शर्ट हटाकर राधिका को उसके नाम का टैटू दिखाता है, जिसे देखकर राधिका बहुत भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि आमिर सच में उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे हाँ बोल देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। दोनों आए दिन एक दूसरे से मिला करते। ऐसे ही एक दिन आमिर राधिका दोनों घूमने जाते हैं कि तभी आमिर राधिका से कहता है, अच्छा तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? इतना कि उसको कभी बयां नहीं किया जा सकता। सच में? अगर ऐसा है तो मेरे नाम का टैटू बनवाना होगा तुम्हें, बोलो वो भी अपने हाथ पर। राधिका उसके प्यार में अंधी हो जाती है और उसके कहने पर उसके नाम का टैटू बनवा लेती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब जब भी आमिर और राधिका मिला करते तो दोनों ही बहुत ही अजीबोगरीब तरीके के टैटू बनवाया करते, कभी कलाई पर, कभी पैर पर, कभी कमर पर, तो कभी कंधे पर। ऐसे ही वक्त बीत जाता है और आमिर अब राधिका को समय देना बंद कर देता है, उससे मिलना भी धीरे धीरे बंद कर देता है, क्योंकि उसकी लाइफ में अब कोई और लड़की आ चुकी थी जिसकी भनक राधिका को बिल्कुल नहीं थी। मगर वो फिर भी आमिर को फोन करती, उसका फोन बिजी आता था। ऐसे ही एक दिन आमिर खुद उसको फोन करके उससे कहता है, यार राधिका मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दो यार, अब किसी और के साथ खुश हूँ और आज के बाद मुझे फोन मत करना। अच्छा मजाक बनाया तुमने मेरा, आखिर मुझ में और मेरे प्यार में क्या कमी थी? मैं तो तुमसे प्यार ही नहीं करता, इस दिल्ली जैसे शहर में ये सब नॉर्मल है, जीएफ बीएफ बनाना और फिर नई जीएफ बनाना। तुम्हें पता भी है मुझे कितना हर्ट हो रहा है। अरे जाना, कोई दूसरा बीएफ बना ले, मैंने तो ये कहा ही नहीं था कि हमेशा तेरा बीएफ रहूंगा।
क्या मिला तुम्हें मेरी हंसती खेलती जिंदगी बिगाड़ कर? कितना प्यार करती थी मैं तुमसे और तुमने मेरा और मेरे प्यार का मजाक बना दिया। अगर इतना सब कुछ करना था तो इतने बड़े बड़े झूठे वादे करने की क्या जरूरत थी? अब मैं घटिया हूँ, अच्छा हूँ या जरूरत से ज्यादा अच्छा हूँ ये तो तुम जान ही गई हो। तो बेहतर यही होगा कि अब तुम अपने रास्ते निकलो और मैं अपने रास्ते निकलता हूँ। राधिका ये सुनते ही फोन काट देती है और उसका माइंड इन सभी चीजों से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वो अब लगभग आधे बॉडी पर टैटू बनवा चुकी थी। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। राधिका इंडियन आर्मी का फॉर्म फिल करती है और कुछ ही समय के बाद उसका एग्जाम होता है जिसे वो क्लियर कर देती है और फिर उसका फिजिकल एग्जाम होता है और वो उसे भी क्लियर कर देती है। लेकिन इस सब के बाद उसका मेडिकल करवाया जाता है जहां उसकी बॉडीज पर बहुत ही अजीबोगरीब तरीके के टैटू होने की वजह से उसे होल्ड पर रख दिया जाता है। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद मीरा राधिका से कहती है, किसी को क्या दोष देना इसमें? अच्छा अभी तुझे होल्ड पर रखा है मतलब अभी भी तेरे पास एक मौका है। तो यार तू तो दिल्ली में रहती है, इतने बड़े शहर में कुछ तो इलाज ढूंढ इस टैटू का, जरा नेट पर तो चेक कर एक बार। हाँ यार कुछ तो करना ही पड़ेगा, मैं चाहती हूँ मेरी इस गलती की वजह से मेरा सपना अधूरा ना रह जाए। राधिका नेट पर टैटू रिमूव करवाने के लिए क्लिनिक ढूंढती है और जब उसे मिल जाता है तो वो उस क्लिनिक पर जाती है। जब डॉक्टर उसके टैटू देखते हैं तो उसे कहते हैं, आपका टैटू रिमूव हो जाएगा मगर इसको करीबन 5 से 6 सिटिंग देनी होगी और इसमें आपका अच्छा पैसा खर्च होगा। बस आप ठीक कर दीजिए डॉक्टर। डॉक्टर राधिका का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। समय यूं ही बीतता जाता है और राधिका डॉक्टर के पास 5 से 6 सिटिंग लेने के लिए समय समय पर आती रहती है। धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट का प्रोसेस खत्म हो जाता है और उसकी बॉडी से सारे टैटूज रिमूव हो जाते हैं, जिसके बाद वो एक बार फिर से आर्मी का मेडिकल देती है और इस बार वो क्लियर कर देती है। साथ ही उसे इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया जाता है और वो एक बड़ी ऑफिसर बनकर अपना सपना पूरा करती है। शिवानी दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। शिवानी को कपड़ों से मैचिंग बिकिनी पहनने का बहुत शौक था। किसी के पास इतने कपड़े नहीं होंगे जितनी शिवानी के पास बिकिनी थी। शिवानी का कॉलेज खत्म होने वाला था और एक दिन वो अपनी सहेली सीमा के साथ मिलकर बिकिनी की शॉपिंग का प्लान बनाती है। अरे यार सीमा, तुझे पता है मेरे पास है ना सारी बिकनी पुरानी हो गई है और मुझे वही पहननी पड़ रही है। चल आज शॉपिंग पर चलते हैं बिकनी की। हाँ यार कैसी बात कर दी, शॉपिंग के लिए तो कोई गधा ही मना करेगा। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं जरूर, पर तू मुझे एक हफ्ते में वो पैसे वापस दे दियो। वैसे कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं पर 5,000 दे दे। शिवानी सीमा से उधार पैसे लेती है और दोनों शॉपिंग पर निकल जाते हैं। जहां सीमा अपने लिए कुर्ती पजामा जीन्स टॉप ले लेती है तो वहीं शिवानी ढेर सारी बिकिनी लेती है और ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। ऐसे में सीमा शिवानी से कहती है, अरे शिवानी कहाँ गायब हो आजकल, ना कॉल उठाती हो ना मिलती हो, और वो मेरे पैसों का क्या हुआ? अरे वो मैं कल देती हूँ ना। शिवानी को पैसों की चिंता तो होती है पर उससे ज्यादा इस बात की चिंता होती है कि अब बिकनी की शॉपिंग वो कैसे करे। कि तभी वो अपने बॉयफ्रेंड कुणाल को मिलने बुलाती है। क्या हो गया, अब कैसे याद आ गई तुझे मेरी? वैसे तो तेरे पास टाइम नहीं होता मेरे लिए। यू नो ना जान, आई लव यू बेबी। अच्छा वो सब छोड़ो, जल्दी से मुझे 7,000 रुपए दे दो। 7,000 रुपए? तुम पागल हो क्या, इतने सारे पैसों की जरूरत तुम्हें अचानक कैसे पड़ गई? मेरी माँ बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए मुझे 7,000 रुपए चाहिए। जानू प्लीज दे दो ना। हाँ हाँ रो मत, ये लो 7,000 रुपए, अब जाओ और माँ का इलाज करवाओ अच्छे से। शिवानी उन पैसों में से 3,000 रुपए सीमा को देते हुए कहती है, ये लो सीमा तुम्हारे 3,000 रुपए, अब तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर हुआ। अरे पर वो कैसे, मैंने तो तुम्हें 5,000 रुपए दिए थे, ये तो बस 3 है, बाकी के 2 कहाँ गए? सीमा
वो मेरी बहन बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए 2000 रुपए दिए हैं। आखिर मेरी बहन भी तो तुम्हारी बहन जैसी ही है ना? हाँ शिवानी, कोई बात नहीं बहन, भूल जाओ उन पैसों को। शिवानी की खुशी का तो मानो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो खुशी खुशी सीमा के पैसे लेकर बिकिनी की शॉपिंग को चली जाती है और वहाँ से बहुत सारी बिकिनी ले लेती है, जिसके बाद वो हिसाब लगाते हुए खुद से कहती है, अरे शिवानी, इन सब का तो टोटल 2000 से भी ज्यादा बैठ रहा है, अब तू क्या करेगी? और इनमें से कोई ब्रा मैं छोड़ भी नहीं सकती, सब कितनी सेक्सी दिख रही हैं, क्या करूं? तभी शिवानी गौर करती है कि एक ब्रा का टैग थोड़ा सा हिल रहा है, तो वो सोचती है, क्यों ना मैं ये हार्ट टैग निकाल दूं, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। वो बहुत मेहनत करती है और उस टैग को तोड़ देती है और ट्रायल रूम में जाकर अपने कपड़ों के नीचे बिकिनी पहनकर वो बिकिनी चुरा लाती है। बस फिर क्या था, बिकिनी चुराना तो जैसे उसकी आदत ही बन गया था। और वो जब मन करे शॉपिंग जाती और टैग तोड़कर बिकिनी चुरा लाती कि तभी एक दिन ऐसे ही उसे सीमा मिलती है और उसे कहती है, अरे शिवानी कहाँ जा रही हो, अब तुम्हारी बहन ठीक तो है ना? अरे यार, बहन तो एकदम ठीक है। और बता, तेरा बिकनी खरीदने का बुखार उतरा के नहीं? अरे अब तो मुझे एक ऐसा तरीका हाथ लगा है ना कि मैं बिना पैसे के भी जितनी मर्जी चाहे बिकनी खरीद सकती हूँ। वो कैसे? नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट करके दिखाऊंगी, चल मेरे साथ। दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। तभी शिवानी कुछ बिकिनी हाथ में लेती है और सीमा को एक ट्रायल रूम में घुसने का इशारा करती है। सीमा ये देखकर बहुत हैरान होती है कि शिवानी किसी शातिर चोर की तरह बिकिनी पर लगे हुए टैग को तोड़ रही है और उससे कहती है, चल चल अब शर्मा मत, जल्दी से बता, मैं 3-4 बिकिनी के टैग तोड़ देती हूँ तेरे लिए, आखिर तो मेरे दोस्त है और वैसे भी तूने मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे भी तो दिए थे। पर तेरी तो बहन बीमार थी ना, तो माँ कैसे? अरे यार वो सब छोड़ ना, ये बता कितने टैग तोड़ू तेरे लिए? अरे नहीं नहीं, रहने दे यार। सीमा समझ जाती है कि शिवानी बिकिनी के लिए कितनी ज्यादा पागल है और वो दोनों मॉल से शॉपिंग करते हुए निकल ही रही होती है कि सामने से कुणाल आ जाता है और उन दोनों को रोकते हुए कहता है, अरे शिवानी तुम यहाँ कैसे, तुम्हारी माँ तो बीमार थी ना? कुणाल, शिवानी की तो बहन बीमार थी, माँ नहीं। वो क्या है ना कि मेरी माँ ने और बहन ने दोनों ने गोलगप्पे खा लिए थे, उससे वो बीमार हो गई। अब चलो ना यहाँ से। कुणाल और सीमा को ये समझते हुए देर नहीं लगती कि शिवानी बिकिनी के पीछे पागल हो गई है और झूठ बोलने और चोरी करने पर भी उतर आई है, जिसके बाद सीमा और कुणाल मिलकर एक प्लान बनाते हैं ताकि वो दोनों शिवानी को सुधार सके। ऐसे में सीमा शिवानी से कहती है, यार चल ना, आज फिर से बिकनी की शॉपिंग पर चलते हैं और तेरे बॉयफ्रेंड कुणाल को भी ले चलते हैं, वैसे भी अब तेरे पास तो पैसे बचाने की ट्रिक भी है। क्या बात है सीमा, अब तुझे भी बिकनी की शॉपिंग करने की लत लग गई। खैर नए काम में देरी कैसी, अभी चलते हैं। दोनों मिलकर बिकिनी की शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं और कुणाल भी वहीं आ जाता है। शिवानी सीमा को ट्रायल रूम में उसके साथ चलने को कहती है, पर सीमा बहाना बनाते हुए उससे बोलती है, अरे यार तू जा ना, मेरे लिए भी कुछ बिकनी रख लियो और मुझे गेट के बाहर मिलियो, इतने मैं और कुणाल बाहर तेरा वेट करते हैं। अरे बाहर क्यों, तुम लोग यहाँ क्यों नहीं रुक रहे मेरे साथ? वो क्या है ना बेबी, मैं ऐसी चोरी पहली बार कर रहा हूँ तो मुझे ना डर लग रहा है। पहली बात तो ये कि ये कोई चोरी नहीं है बल्कि हाथ की सफाई है, एक कला है, और तुम्हारा पहली बार है तो चलो कोई नहीं, तुम बाहर मेरा वेट करो। इसके बाद मौका पाकर सीमा पहले ही एक हार्ड टैग वाली बिकिनी शिवानी के पर्स में डाल देती है और दोनों बाहर जाकर शिवानी का इंतजार करने लगती है। शिवानी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बहुत सारी बिकिनी अपने कपड़ों में छुपा लेती है, लेकिन जैसे ही बाहर जाने लगती है तो एग्जिट मशीन में बीप कर जाता है और स्टोर के मैनेजर वहां आकर उससे कहते हैं, मैम आप बाहर नहीं जा सकते, आपको चेकिंग करवानी होगी। चेकिंग? कैसी चेकिंग, मैं तो यहाँ आती रहती हूँ और मैं यहाँ से क्या लूँगी? मैम आप यहाँ आती जरूर हैं, लेकिन कुछ लेती नहीं है,
अब मशीन भी बीप कर रही है, तो चेकिंग तो करवानी ही पड़ेगी। शिवानी की चेकिंग की जाती है और उसके पास बहुत सारी छुपी हुई अलग अलग रंग की बिकिनी मिलती है, जिससे शिवानी बहुत शर्मिंदा होती है, पर अब वो कुछ कर भी नहीं पाती। मैनेजर उसे जेल भिजवा देता है और तभी सीमा और कुणाल उससे मिलने के लिए जेल जाते हैं। शिवानी, ये तो तुमको तुम्हारी गलती की सजा मिल रही है, जो मिलनी भी चाहिए। तुमने ना सिर्फ चोरी की बल्कि अपने दोस्तों से झूठ तक बोला। अब तुमने गलती की है तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम इसकी सजा भी भुगतो। मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। दोनों वहां से चले जाते हैं। शिवानी 2 दिन बाद जेल से छूटती है और फिर ना तो वो कभी चोरी करती है और ना ही किसी से झूठ बोलती है। इसी के साथ कुणाल और सीमा से भी वो सिर्फ माफी ही नहीं मांगती बल्कि उनके पैसे भी वापस कर देती है, जिसके बाद वो दोनों उसे माफ कर देते हैं और एक बार फिर से शिवानी अपनी नई जिंदगी की हंसी खुशी शुरुआत करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।